ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेस्टमिंस्टर एबे में अन्य देशों से आए गणमान्य अतिथियों के साथ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में हुई शामिल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। वर्ष 2013-14 के बाद से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की बढ़ोतरी हुई दर्ज। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इमर्जिंग लीगल इश्यूज 2022 विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। इस कॉन्फ्रेंस में पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल तकनीक को आमजन के हित में शामिल करने जैसे विषयों पर की गई चर्चा। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 216.70 करोड़ से अधिक टीके लगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं भाजपा में शामिल। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर काहिरा पहुंचे। वहां वे अपने मिस्र के समकक्ष के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। रक्षा सहयोग व दोनों देशों के बीच दोस्ती को और अधिक मजबूत करना है इस यात्रा का उद्देश्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सभा के 77वें वार्षिक सत्र की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे। इस दौरान वे कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। अब खबरें खेल जगत से। सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 2013 में कांस्य पदक से शुरू करके इस चैंपियनशिप में पुनिया ने जीता ये चौथा पदक।